नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महाराष्ट्र दोहरी त्रासदी, युवक ने प्रेमिका को गोली मारी, भागते वक्त वाहन की चपेट में आया। बोईसर कस्बे में एक चौंकाने वाली दोहरी त्रासदी घटित हुई। यहां एक युवती की उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी और जब भाग रहा था तो उससे एक सैंडर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस गुरुवार को यह जानकारी दी गई। घटना बुधवार दोपहर की है। सारावली स्थित एक निजी अस्पताल के पास सड़क पर 21 वर्षीय नेहा महतो और उसके 25 वर्षीय प्रेमी कृष्ण यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कृष्ण यादव ने अचानक जेब से रिवॉल्वर निकाली और नेहा के सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग जैसे ही वहाँ पहुंचे, कृष्ण भागने लगा। उसने बमुश्किल 100 मीटर की दूरी तय की होगी, तभी सेना के एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। बोईसर पुलिस उसे स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बोईसर पुलिस ने कृष्ण यादव के पास से रिवॉल्वर बरामद कर लिया और उसे फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेज दिया है, यह पता लगाने के लिए कि उसकी दुर्घटना थी या आत्महत्या। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जाँच के अनुसार कृष्ण और नेहा के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमी उसे शादी करने को तैयार नहीं था। नेहा के परिवार ने शादी के लिए अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि तय समय में राजी नहीं होने पर वे बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। हजारीबाग में दहेज के लिए एक शख्स ने पत्नी को गोली मारकर की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के आंगन में दफनाई लाश। हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना अंतर्गत नापो खुर्द गांव में शुचि कुमार नामक व्यक्ति ने अपनी नवविवाहिता गर्भवती पत्नी पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी। पूजा के मायके वालों का आरोप है कि शशि और उसके घर वाले शादी के बाद 6 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इस वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने पूजा का शव उसकी ससुराल के आंगन में ही दफना दिया और वहां पक्का कब्र बना दिया। ग्रामीणों ने घर का सारा सामान बाहर निकालकर उसमें आग लगा दी। इस वारदात को लेकर पूजा के पिता रिंकू साव द्वारा FIR दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने उसके पति शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में ससुर विदेश साव, सास हीरा देवी, देवर विक्रम कुमार एवं एक अन्य को नामजद किया गया है। ये सारे लोग फरार बताए जाते हैं। बताया गया है कि शशि और पूजा एक दूसरे से प्यार करते थे। यह बात सामने आई तो दोनों परिवारों की सहमति से पिछले जून महीने में उनकी शादी कराई गई थी। उस वक्त 5,75,000 रुपये बतौर दहेज दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही और 6 लाख रुपये की मांग की जाने लगी, जैसा कि आरोप है कि इसे लेकर पूजा को प्रताड़ित किया जाने लगा। FIR में बताया गया है कि 27 सितंबर की रात लगभग 10 बजे पूजा कुमारी से मारपीट की गई और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने पहले ही दम तोड़ दिया। साक्ष्य छिपाने के लिए खून से लथपथ कपड़े और घर की दीवारों से खून के छींटे साफ करने की कोशिश की गई। पूजा 3 महीने की गर्भवती थी। इधर पुलिस गिरफ्त में आया शशि अपनी पत्नी पूजा को जानबूझकर गोली मारने की बात से इनकार करता रहा। उसने कहा कि उसके एक मित्र ने रिवॉल्वर रखने के लिए दिया था, जिससे गलती से गोली चल गई। हालांकि बाद में उसने स्वीकार कर लिया कि उसने पूजा को गोली मारी है। मिशन 2023 बनने लगी रणनीति, बिछने लगी बिसात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बूथ स्तर पद यात्रा करेंगी तो भाजपा 6 को तय करेगी रणनीति। बीते 2 महीने से मिशन 2023 के पूर्वाभ्यास में जुटी कांग्रेस तथा भाजपा अब मैदान में आने की रणनीति बनाने लगी। कांग्रेस ने जहां ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा शुरू किए जाने का निर्णय कर लिया है, वहीं भाजपा 6 अक्टूबर को अपना एक्शन प्लान फाइल करेंगी। इसी बीच दोनों के दलों नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना शुरू कर दी है। भाजपा जहां 2 बड़े प्रदर्शन कर चुकी है, वहीं कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हारी हुई सीटों की समीक्षा करने विधानसभा क्षेत्रों के दौर कर रहे हैं। भाजपा का प्रदेश संगठन भी बस्तर जैसे इलाकों के दौर पर है और हारी हुई सीटों पर जनता की नब्ज टटोल रहा है। गंगरेल में तैयार होगा भाजपा का ब्लूप्रिंट। भाजपा के संगठन सूत्रों के मुताबिक धमतरी के गंगरेल में भाजपा के चुनावी रणनीतिकार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश तथा नवनियुक्ति प्रदेश प्रभारी ओम माथुर उपस्थिति में आगामी 6 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन तथा प्रदेश के केवल 20-25 नेता ही शामिल होंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडियाओं के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।